दो साल से इंडिया में फंसे हुए थे भाई, यहाँ के खुल गए यहाँ के, मतलब बिल्कुल अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। राइट राइट, तो पूरा वर्थ रहा, मतलब ये पूरा वर्थ रहा ट्रिप हमारा। ट्रिप काफी एक्सपेंसिव भी नहीं था, अभी के हिसाब से हम सोचते हैं कि बहुत बहुत ही चीप मिला हमें ये ट्रिप। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकॉक बबल्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त आर्स। तो गाइज आज यार थोड़े अलग कपड़े में, बिकॉज मैं आज गया था थोड़े काम से यार, बाहर एक मीटिंग था, तो आज मैं फिनिश करके सीधे मेरे भाइयों से मैं मिलने आ गया कि जो इंडिया से आज कल यार एक्चुअली आए हैं। तो मेरा प्रॉमिस था कि यार मैं आपको मिलूंगा, और उनका भी यार बहुत यार मतलब हमारे इंडियन भाइयों को मिलने की बहुत ही इच्छा थी। तो आज फाइनली हम मिले हैं, और मैं आपसे बहुत सारी अपडेट देने वाला हूँ वीडियो के अंदर, और वो भी जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करना चाहते हैं। तो वीडियो के अंदर आप कंटिन्यू बने रहिए, वो सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ कि लोग कैसे आए थाईलैंड में और उनका आने के बाद एक्सपीरियंस कैसे रहा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे शो कर रहा है, जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मेरे को मैसेज आप करना मत भूलना, ठीक है। ये है हमारे सरफराज भाई और ये है हकीम भाई, जो अभी इंडिया से कलकत्ता से इन्होंने अभी ट्रैवल किया है, रिसेंटली कल ही आए ये लोग। और मैं भी यार मीटिंग के अंदर मैं थोड़ा बिजी था, पर मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जरूर मिलने आऊंगा। तो ये मेरा फर्स्ट मीटिंग है सब्सक्राइबर भाई से, और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे थोड़ा बात शेयर करना चाहता हूँ, इनकी जो जर्नी कैसी रही और थाईलैंड के आने के बाद ये लोग कैसा फील कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ थोड़ा डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका एयरपोर्ट से जो कलकत्ता एयरपोर्ट से आप आए, राइट, आपने फ्लाइट कितने दिन पहले किया बुक? यही कुछ एक हफ्ता पहले, वन वीक बिफोर। तो भाई वन वीक पहले ये लोग ने कलकत्ता से फ्लाइट बुक किया, डायरेक्ट था ना आपका फ्लाइट? जी हाँ, कलकत्ता बैंकॉक, एयर इंडिया का कलकत्ता टू बैंकॉक डायरेक्ट ये फ्लाइट था। और आपका फ्लाइट में मतलब ऑक्यूपेंसी कैसा, फुल था? 80% भाई फुल था। और आप जब कलकत्ता से आपने फ्लाई किया, तो मतलब आपको कोई नई चीज देखने को मिली एयरपोर्ट के अंदर, कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कुछ शो करना होगा, क्या आपको देखने को मिला, कोई चेंजेस? देखिए कोई खास चेंजेस तो नहीं दिखा। ओके, चेंजेस बोले तो बस डॉक्यूमेंटेशन वर्क ज्यादा है, अगर वो आप पूरा कर लेते हो तो कोई चेंजेस नहीं है। तो भाई सबसे मेन बात ये है कि डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल रेडी रखिए, आप उसमें कोई भी मिस करोगे तो नहीं चलेगा। भाई नहीं चलेगा। पहले बात बताई, डॉक्यूमेंट बिना का अगर आते हैं कोई थाई पास बिना, तो क्या होता है बताइए आप? जैसे जब हम लोग बोर्डिंग कर रहे थे, ओके, हमारे जो आगे में 10 लोग थे, ओके, 10 लोग तो एक साथ नहीं थे, आगे पीछे हो गए थे, ओके, उनके पास थाई पास नहीं था, ओके, तो इसके लिए वहां पे वो लोग को साइड कर दिया गया। ओके, तो मुझे लग रहा है कि वो लोग आए ही नहीं, ओके, क्योंकि वहां पे अलाउ नहीं किया उनको, और वो वहां पे तुरंत थाई पास नहीं बना पाए। तो भाई देखो, थाई पास नहीं है तो आप यहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकते, बहुत ही जरूरी बात है। जो भी मेरे भाई ऐसा सोच रहे हैं कि भाई एंड टाइम में बना लेंगे, कि यार बाद में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जब भी आना है, आप वन वीक पहले से ही अप्लाई कर दीजिए, राइट जी। इस बात का दुख है, क्योंकि वो थाई पास के हकदार थे, ओके, क्योंकि उनके पास वो सारा डॉक्यूमेंट था जिससे वो थाई पास ले सकते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज उन लोगों ने नहीं लिया। ओके, अब वही जानते हैं उन लोगों ने क्यों नहीं लिया, शायद हमको इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। राइट राइट, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। और वहां पे कोई हेल्प नहीं कर सकते हम लोग उनका। ओके, हमारे पास लैपटॉप है बट स्कैनर नहीं है, जो हम स्कैन करके उनको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें थाई पास के। राइट राइट, अदरवाइज वो स्कैनर वगैरह होता तो थाई पास शायद तब तक आई जाती जब तक फ्लाइट डिपार्ट करता। राइट राइट राइट, ये प्रॉब्लम थी। मतलब थाई पास बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, बिना थाई पास के एंट्री हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये अभी थाई गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया एट द मोमेंट। और अच्छा भी है कि आने के बाद भी आपको बहुत इजीली निकल जा सकते हैं, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। पास मैं कहता हूँ ये बेटर है आपके लिए, बेटर, ताकि इमिग्रेशन में आपसे तरह तरह की डॉक्यूमेंट्स ना मांगना पड़े। राइट राइट, पासपोर्ट, थाई पास एंड आरटीपीसीआर हो तो आप सीधा जा सकते हो, और आपका पास, बोर्डिंग पास, और आपका बोर्डिंग पास, ये चार ही चीज मांगते हैं। बस कुछ सब कुछ और कुछ नहीं। मतलब कलकत्ता से तो बहुत इजीली आ पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भैया बहुत इजी है, सिर्फ 2 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट थी। कलकत्ता में हम लोग को सारा चीज मांगा गया, जैसे रिटर्न टिकट हुआ, ओके, एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट में रिटर्न टिकट, थाई पास, और आपका इंश्योरेंस, जो आपका कोविड इंश्योरेंस होना चाहिए, और आपका वैक्सीनेटेड डबल डोज आप है कि नहीं, ओके, ये सारा कुछ चेक किया इंडिया एयरपोर्ट में जी। एंड मेक श्योर इंश्योरेंस जो होना चाहिए, जैसे कि सबको जानते हैं $50,000 विद कोविड कवरेज होना चाहिए, कोविड कवरेज होना चाहिए इंश्योरेंस के अंदर। कितने मेरे भाई ऐसा पूछते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस तो वो नहीं चलेगा, कोविड के अंदर बिल्कुल मेंशन होना चाहिए कि $50,000 तक का कवरेज है, बहुत ही जरूरी बात है। राइट राइट राइट, और बाद में जैसे आप थाईलैंड में आपका मतलब कलकत्ता से फ्लाइट फ्लाई किया, सीधा थाईलैंड में अराइव किया, आपका कितने बजे अराइव किया यहाँ पे? हमारा 12:50 वहां से डिपार्टिंग था, ऑन टाइम था फ्लाइट, ओके, बिना कोई डिले, ओके, और यहाँ पे हम लोग 10 मिनट बिफोर लैंड कर रहे यानी के 17:45 में लैंड, 5 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास लैंड हो गए। ओके, तो अभी सबसे पहली बात ये आती है कि जैसे आप फ्लाइट से बाहर निकले, फ्लाइट के गेट से बाहर, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, जैसे आपका जो एक छोटा बैग
आपका हाथ में पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, उसके बाद में क्या प्रोसेस? हमारे हाथ में पूरा फाइल था वो, सारा फाइल था। हमको एक चेयर में बैठा दिया गया, सारे पैसेंजर को चेयर लगा हुआ था, बैठा कोई भी पैसेंजर आ रहा है सबसे पहले, वो डिफरेंट डिफरेंट चेयर है गैपिंग में, उन्होंने फर्स्ट आके बोला आपका बोर्डिंग पास, पासपोर्ट, थाई पास और आपका आरटीपीसीआर टेस्ट, ये चार्ट हो आप दिखाइए, दिखाने से वो एक आपको फॉर्म देते हैं फिलअप करने के लिए। ओके, और ये आरटीपीसीआर आपने इंडिया से कराया था, राइट? इंडिया से कराया था, राइट? ये बहुत जरूरी है, मेक श्योर कि वो 72 आवर्स में आप थाईलैंड घुस जाओ, राइट? राइट, और आरटीपीसीआर आपने कलकत्ता में ही कराया था? कोई लैब से कराना, हमने लैब से ही करवाया। ओके ओके, तो कलकत्ता लैब से आप यहाँ पे करा के आए और एयरपोर्ट में आपने शो किया? शो किया, 27-28 आवर्स में हम लोग घुस गए। ओके ओके, सॉरी, 6 तारीख को आपने अप्लाई किया, 7 तारीख को आपको आरटीपीसीआर मिल गया, 8 तारीख को तो आपकी फ्लाइट, हम यहाँ आ गए थाईलैंड। ओके ओके, मतलब 48 आवर के अंदर आपका फ्लाई हो गया, हमने और 12-24 घंटा हाथ पे रख लिया। ओके ओके, तो प्लस में था, ये प्लस पे लेके चलना आप भी सभी लोग, क्योंकि इन केस अभी फॉगी वेदर से इंडिया में अगर फ्लाइट डिले पे चल रहा है तो आपका सारा सिस्टम डिले हो जाता है, राइट? अगर आप आरटीपीसीआर हाथ में नहीं रखते हो तो। ओके ओके ओके, तो ध्यान रखना इस बात का, हमने ये खुद से एक बना के चला था प्लस पॉइंट कि आरटीपीसीआर को हाथ पे रखूंगा, राइट 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 राइट, तो इजी हो गया, इजी होगा, राइट राइट। अभी दूसरी बात के, जैसे भाई ने बोला कि सबसे पहले आने के बाद यहाँ पे चेयर में बिठाया, थाई पास मांगा और आपका आरटीपीसीआर मांगा और आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड, उसके बाद में आपको कहाँ पे भेजा गया, कुछ और चेकिंग किया क्या? उसके बाद जो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक करना था, ओके, तो उन्होंने जस्ट थाई पास को हमारा स्कैन किया, उनके बाद बड़का एक आईपैड होता है, ओके, स्कैन करने के बाद वो अराइवल और डिपार्चर फॉर्म देके बोलती है कि आप फिलअप करके इमिग्रेशन में चले, और कोई इन्फॉर्मेशन मांगी आपसे थाई पास के बाद? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सारा इन्फॉर्मेशन उस थाई पास पे ही है। तो भाई देखो, थाई पास के अंदर आप ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन मेंशन किया है, तो आपसे एयरपोर्ट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, राइट? जी एग्जैक्टली। ओके, तो सीधा उसके बाद में आपको ये टाइम कितना लगा है थाई पास शो करने में बाहर में? इतना 5 मिनट लगा, 5 मिनट, 5 मिनट बस। तो भाई 5 मिनट का प्रोसेस है, उसके बाद में आप कहाँ गए? इमिग्रेशन। उसके बाद हम सीधा इमिग्रेशन गए। इमिग्रेशन में कोई सवाल, कोई प्रोसेस? वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर खुद से आपको वेलकम कर रहे विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन द फेस, ओके, कि आप आओ, ओके, और अपना डॉक्यूमेंटेशन दो, ओके, और वो 2 मिनट में हमें स्टैम्प मार के देते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी इमिग्रेशन पे रिक्वायर्ड है, राइट, वो सारा वॉक्स में 2 मिनट लगा, 2 मिनट में बस, 2 से 3 मिनट, 3 मिनट। तो मतलब फ्लाइट से बाहर आने के बाद और इमिग्रेशन खत्म करने का टाइम खाली 10 मिनट, ऐसा समझो 10 से 15 मिनट में हो गया, 10 से 15 मिनट। बैगेज ले लिया हम लोग 15 मिनट, अपना जो सब कुछ लेकर बाहर निकल गए। आपको पता है कि रनवे उनका इतना लंबा होता है, राइट, कि हमें चलने में ज्यादा समय लगा, राइट, काम करने में इतना समय नहीं लगा, राइट राइट राइट। तो आपने जैसा बैगेज कलेक्ट किया वो भी आपका क्विकली मिल गया? जी क्विकली, वो हमारा एक ही बैगेज था, ज्यादा नहीं था। ओके, उसके बाद में आप कौन सा गेट से बाहर आए? हम आए गेट नंबर 10 से बाहर, 10 से बाहर जी, एग्जिट सी। तो आप और मतलब कोई नॉर्मल आदमी से मिल सकते हैं वहाँ पे? नहीं, गेट नंबर 10 पे सिर्फ टेस्ट एंड गो वाले लोग ही होते हैं, टेस्ट एंड गो वाले, वो पूरा कवर होता है, आप कहीं भी पंख नहीं मार सकते हो। ओके, कहीं पे भी जा नहीं कहीं सकते, पे भी नहीं जा सकते, मतलब ये सिस्टम है कि आपको आना है एक ही लाइन में जाना, एक ही लाइन में जाना है और किसी से कोई कॉन्टेक्ट, आपका जो 7+ होटल होगा वही लोग ही आपको वेलकम कर सकते। ओके ओके, और एक चीज, उसके बाद में आपका जो कार रेडी था कि कार बुलाया, क्या था वो सीन पूरा? नहीं, कार रेडी था या नहीं था ये मैं नहीं पता, ओके, बट पहले हमें वो होटल वाले ने हमें रोका, ओके, कि आप कौन सी होटल से हो, हमने बताया बर्कली से। तो भाई इनका होटल मैं बता दूं, प्रतु नाम के अंदर 5-स्टार होटल है जिसका नाम है बर्कली, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, उसका फोटो आप बुक मत करना वहां से, बुक कैसे करना वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतु नाम है बर्कली 5-स्टार होटल, बहुत ही बढ़िया होटल है और आई थिंक इतना एक्सपेंसिव नहीं है अभी। जी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अभी के हिसाब से, तो ठीक है। आप अभी दो भाई एक ही रूम में रुके थे? जी हम लोग एक ही रूम में। और आप कोई कजिन हो? मतलब कोई कजन नहीं, हम लोग फ्रेंड है। वो फ्रेंड है, तो भाई आप कोई दो फ्रेंड आते हैं तो पहले मतलब एक इन्फॉर्मेशन में ऐसा था कि अगर आप कोई फ्रेंड है तो नहीं रुक सकते, अगर आप मतलब कोई कजिन है, कोई फैमिली रिलेटेड है तो साथ में आप रुक सकते हैं, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखो दो भैया है एक ही रूम में रुके है जो बर्कली होटल के अंदर, तो ठीक है। उसके बाद में सीधा आप कार आपको उठाया जी, आपको पिकअप किया, उसके बाद में आपको हॉस्पिटल ले गए आरटीपीसीआर करने, और आपके होटल कहाँ पे ड्रॉप किया? सीधा होटल ले गए, सीधा होटल, बिल्कुल सीधा होटल ले गए। होटल से हमें रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि 9:30 बजे आपके रूम पे नर्स आएगी, आप अभी जाके आराम करो। ओके, मतलब होटल के अंदर आपको कोई ऐसा दिक्कत? कोई दिक्कत, चेक इन था स्मूथली, नॉर्मल चेक इन था, हमें खाना मिल गया उससे पहले, हमारा जो पैकेज था, ओके, पैकेज फूड था वो, राइट, और वो खाने पीने के बाद हम बस वेट करते रहे, वो आई हमारा टेस्ट लेकर चली गई। तो भाई इनका ऐसा था कि जैसे एयरपोर्ट से आए तो कार इनको पिकअप किया, एसएचए प्लस कार था और बिल्कुल प्री बुक्ड होता है ये होटल से। उसके बाद में होटल में ड्रॉप किया, नॉर्मली चेक इन किया और 9 बजे इनको बोला, 9:30 को 9:30 बजे हॉस्पिटल की जो नर्स आई और इनका आरटीपीसीआर का जो रिपोर्ट वहां से कलेक्ट किया, जो मतलब स्वैब टेस्ट किया,
उसके बाद में और आपका रिपोर्ट का फिर कैसा हुआ? ये 3:30 सुबह हमें मैसेज आ गया। 3:30 तो आपको होटल ने 3:30 कॉल किया? नहीं, होटल ने कॉल नहीं किया। हाँ। हमें बेचैनी थी, होटल सोच रहे होंगे कि हम सोए हुए गेस्ट हैं, तकलीफ ना दे। बट भाई हम तो नहीं सोए, हमारे मन में बहुत कुछ था। राइट, तो हमने उनको तकलीफ दिया कि भाई हमें भूख लगी है, बाहर जानी है। ओके, फिर तो उन्होंने कह दिया आपका रिपोर्ट आ गया, बाहर जा सकते हो। ओके, बिल्कुल नेगेटिव हुआ। फिर आपका मतलब बिल्कुल शांति, मन में बहुत शांति मिला भाई। हमने काफी कठिनाइयों को पार करके आया था, बस ये आखिरी कठिन काम थी वो भी पार हो गई, आरटीपीसीआर वाली। तो भाई अभी थाईलैंड के अंदर आरटीपीसीआर आपको यहाँ पे आके करना होगा। और एक ऐसा भी सीन है कि कुछ ऐसी होटल्स होती है कि जो आपको मतलब बीच रास्ते में कोई हॉस्पिटल में ले जाएगा, वहां पे आपका आरटीपीसीआर का जो चेक करेंगे स्वैब टेस्ट। और कुछ होटल है, होटल में उनके कुछ स्टाफ आ जाते हैं, वहां से भी वो लोग सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो यार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली है। दूसरी बात के फिर आप 7-Eleven में गए, राइट? जी बिल्कुल। तो 7-Eleven में कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, सारा कुछ आपको मिल गया, सारा कुछ अवेलेबल था। लगता ही नहीं कि कोई चेंजेस हुआ है वहां पे। एज यूजुअल वो आवाज सुनने को कान गूंज रहा था भाई 2 साल से, हेलो वेलकम। ओके, तो उसके बाद में आपने दूसरे दिन चेकआउट किया होटल? जी हमने चेकआउट कर दिया ब्रेकफास्ट के बाद। ओके, और उसके बाद में ऐसा कुछ जरूरी है कि उसके बाद में भी आपको कोई एसएचए प्लस होटल में जाना है कि ऐसा कुछ? उसके बाद यू आर फ्री, आप कहीं पे भी जाके रह सकते। तो भाई देखो, एक ही दिन आपको होटल में रुकना है, एसएचए प्लस होटल, उसके बाद में आपका मर्जी। आपको जिसके भी साथ रुकना है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका कोई भाई है, बहन है, किसके साथ भी आप रुक सकते हैं, जो भी आपका प्लान है, आइटनरी है, आप घूम सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर वो पताया जाना चाहते हैं, कोई अलग सिटी में जाना, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हमारे भाई है और एक होटल चेंज किया है, ये है सुरावोंग एरिया। जी हम लोग सुरावोंग होटल तांतावान पैलेस। ओ राइट, ये सोई तांतावान में, सोई तांतावान में। तो नियर बाय पैकपोंग, पैटपोंग मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, नाइट लाइफ यहाँ पे भी बहुत बड़ी होती है। तो ये मेरे भाई का बहुत फेमस, मतलब बहुत ही पसंदी एरिया है ये वाला। बिल्कुल, पहले से आप यहाँ पे आते, राइट? हम लोग यहाँ इस एरिया में 20 साल से रहते हैं। ओ भाई, 20 साल से यहाँ पे आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट राइट। तो आप और एक चीज बताइए कि थाईलैंड में आप अराइव हो गए, चेक इन कर लिया, सारा चेकआउट कर लिया, तो अभी बाहर आप थोड़ा घूमे, कैसा माहौल कैसा लगा आपको? भाई बहुत ही अच्छा है माहौल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा खाली खाली है, बट अभी भी देखिए पैंडेमिक ओवर नहीं हुआ। ओके, तो यू हैव टू लिव विद इट। ओके, आप फुल एक्सपेक्टेशन मत करो कोई चीज का। ओके, 11 o'clock तक यहाँ पे भी बार्स रेस्टोरेंट खुली है, आप तब तक एंजॉय कर सकते हो। राइट, क्योंकि बैंकॉक में तो थोड़ी नाइट लाइफ भी ओपन है। जी हाँ, नाइट लाइफ ओपन। आपके कुछ मार्केट्स हो गए, मार्केट्स ओपन है, आपका जो नाना है और 111 है, जैसे वो काउसन रोड है, सोई सुकुमवीत है, सुकुमवीत में सारा ओपन है, सारा नाइट लाइफ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घूम सकते हो। सोई टेलीफोन है, राइट, सभी कुछ ओपन है। तो आपको मतलब आने के बाद ऐसा कुछ लगा कि यार कुछ फंस गए, कोई ऐसा प्रॉब्लम? कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। 2 साल से इंडिया में फंसे हुए थे। ओके, भाई यहाँ के खुल गए, यहाँ का मतलब बिल्कुल अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। राइट राइट, तो पूरा वर्थ रहा, मतलब ये पूरा वर्थ रहा ट्रिप। Okay. हमारा ट्रिप काफी एक्सपेंसिव भी नहीं था। ओके, okay. अभी के हिसाब से हम सोचते हैं कि बहुत ही चीप मिला हमें ये ट्रिप। oh, कितना में हुआ? 23 रिटर्न, बिल्कुल 23,000 में रिटर्न टिकट एयर इंडिया की विद मील्स ऑन बोर्ड। क्या बात है, 30 kilo ऑफ बैगेज। जैसे हम लोग 30 तारीख देख रहे थे 19,000 दिखा रहा था। ओके, ठीक है, फिर 1 तारीख दिखाए 21,000 दिखा रहा था। ओके, हम लोग 2 तारीख टिकट बुक किए तब 23,000। 23,000 में कलकत्ता से डायरेक्ट बैंकॉक ये भाई आया है वाया एयर इंडिया और विथ मिल के साथ, और 30 kilo बैग, वो भी इस टाइम पे, इस टाइम पे। क्योंकि अभी यार क्या है कि जो ओमिक्रॉन का जो एक फियर है ना यार, तो सारे यार जो आने वाले भाई है सोचते हैं कि भाई ओमिक्रॉन की वजह से यार इंडिया में क्या स्ट्रिक्टनेस होगी एयरपोर्ट में और थाईलैंड में क्या स्ट्रिक्टनेस होगी। तो आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ है भाई स्ट्रिक्टनेस को आप थोड़ी देर के लिए भूल ही जाओ बिल्कुल। ओके, आपको ट्रेवल करना है तो हमेशा ये बात रखना ध्यान पे कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है, मेन चीज। उसके बाद स्ट्रिक्ट नाम का कोई चीज ही नहीं होता, कोई ना। राइट, अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो आपका फॉल्ट है। ओके, यू कैन नॉट ट्रैवल। राइट, समझ गया। डॉक्यूमेंटेशन है तो सब कुछ भूल जाओ, आप ठीक हो जा सकते हो। आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ इंडोर्समेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज तो कैरी करना ही पड़ेगा। okay. अगर आप विजन अराइवल में आते हैं तो okay. यहाँ पे आपको मांग सकता है। ओके, okay, okay. तो भाई जो भी मेरे भाई 15,000 वाट हो जो भी। ओके, okay, तो भाई जो भी मेरे भाई ट्रैवल करना चाहते हैं ऐसे ऑनरेबल वीजा पे, तो यार ये बताए कि 15,000 बात हो गया और आपका $500-$700 तो आपको शो करना पड़ेगा। अगर वो लोग पूछते हैं तो आपको शो करना पड़ेगा, इंडिया में भी चेक करते हैं बिल्कुल, और आपको यहाँ पे भी थाईलैंड में भी चेक कर सकते हैं, तो आप इसका भी ख्याल रखिए। गाइस, करते हैं ये वीडियो का एंड, क्योंकि हमारे भाई को भी यार जाना है बाहर डिनर के लिए, तो थोड़ा आज प्लानिंग है, थोड़ा डिनर करते क्या भाई? भाई अभी हम थोड़ा जा रहे हैं रिलैक्स के लिए, क्योंकि भाई अभी थाईलैंड में है, बहुत एक्साइटिंग है, तो थोड़ा फन बन तो करना जरूरी है ना। तो यार वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी फन आने वाली है, हमारे दो भाई साथ में ही है, और बहुत सारी जो नई अपडेट्स है, जो ये लोग ने कैसे बुकिंग किया, वो सारी डिटेल्स भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तो मिलते हैं यार और एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक बाय बाय, सी यू, सो दिखा।
शो दिखा।